हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं बीएड को लेकर के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको दिए जाते हैं एंड वो बिल्कुल सही ही होते हैं क्योंकि मैं खुद ही कंफर्म करके ही जो है आपको देती हूँ। और आज का जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो भी उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आप लोग जो मुझसे करते हो उसी क्वेश्चन का आंसर जो है मैं ढूंढती हूँ, फाइंड आउट करती हूँ, वेरीफाई करती हूँ एंड देन मैं आपके सामने जो है लेकर आती हूँ। तो एक क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट का ये आया कि मैम बीएड करने के लिए प्राइवेट कॉलेज अच्छा रहेगा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएड के लिए कौन से कॉलेज जो है इम्पॉर्टेंट है, किस कॉलेज से जो है आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, प्राइवेट से क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट है, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में स्टार्ट करो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लास हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, टाइमिंग है 4 बजे और 7 बजे इवनिंग में। चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में। देखिए, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो जाहिर सी बात है एंट्रेंस में आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज चूज करोगे, राइट। आप हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही मैक्सिमम लोग चूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फीस कम रहता है। देखिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए फीस से रिलेटेड। प्राइवेट कॉलेजेस के फीस ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के फीस कम होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट, राइट। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बनता है पढ़ाई को लेकर के, स्टडी। तो हम भी जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है टीचर्स जो प्रोफेसर रहते हैं उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन प्राइवेट में लेते हैं। प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी होती है, वो कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेट में मोस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई आपको अच्छी मिलती है। तो ये हुआ दूसरा। तो आप खुद समझ सकते हैं, खुद से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइवेट या गवर्नमेंट। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एफिलिएशन को लेकर के, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है सभी के सभी अप्रूव्ड होते हैं पर्टिकुलर ईयर के लिए। जब भी ये माइंड में रखिए, जब भी आप एडमिशन के लिए जाओ सबसे पहले उस कॉलेज का जो है अप्रूवल चेक करो। UGC पे जाकर NCTE के साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको बीएड कॉलेजेस के सारे लिस्ट मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज जितनी भी एफिलिएटेड रहती है और जिनको अप्रूवल मिला रहता है उसका लिस्ट आ जाता है, उसके अंडर में जितने कॉलेजेस रहते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये जरूर चेक कीजिएगा, पहला काम ये जरूर कीजिएगा एंड उसके बाद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का डिसाइड कीजिएगा। अगर क्योंकि जो है पैसा जो है फीस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो सब लोग यही सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट में जाए। जो एंट्रेंस अगर आप दे करके जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप ट्राई करोगे गवर्नमेंट के कॉलेजेस। गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है, ये मैं नहीं बोल रही नहीं होती है, लेकिन यस फीस को लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज ही ऊपर जाता है। अदरवाइज और कोई जो है बोलते हैं ना कि क्या हम गवर्नमेंट से मिलेगा तो डिग्री का वैल्यू ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से मिले या फिर प्राइवेट से मिले वो डिग्री वैलिड होनी चाहिए, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, बस इतना ही। अदरवाइज इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है या प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया है, आपकी डिग्री वैलिड होगी अगर वो अप्रूव्ड है तो। अदरवाइज ऊपर नीचे का कोई ये नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और अदरवाइज दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेम है, वो हम ये भी देख करके लेते हैं कि हमारे आसपास में कौन से कॉलेजेस हैं, हमारा खर्चा जो है किस में कम होगा। खर्चा पैसा मायने रखता है, उसी को ध्यान में रखकर कॉलेजेस चूज करते हैं। अगर हमें दूर में कहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे हमें रहना पड़ेगा और फिर रूम लेना पड़ेगा और ये सब चीज़ें होंगी, तो जाहिर सी बात है वो आपके प्राइवेट से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो जो सामने में आपके प्राइवेट कॉलेज हो जो अप्रूव्ड हो उससे आप कीजिए, ठीक है। तो इसमें सर्टिफिकेट में के अब बोल सकते वैल्यू में, सर्टिफिकेट की वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली में। अगर वो UGC से NCTE से अप्रूव्ड है दैट्स इट, उससे ज़्यादा और बीएड में कुछ नहीं चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के डिफरेंस आपको पता चल चुके होंगे। आप जब एडमिशन लें तो आप लोग दिमाग में आपको बस ये रखना है कि गवर्नमेंट उस यूनिवर्सिटी का जो है अप्रूवल चेक करना है, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।